नमस्कार दोस्तों, मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया है कि आप हॉटस्टार का या इरोज नाउ या सोनी लिव या और भी जो है बहुत सारी मेंबरशिप आप फ्री में किस तरीके से ले सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट आए हैं कि भाई आप ये बताइए कि हम नेटफ्लिक्स का जो है फ्री में मेंबरशिप किस तरीके से ले सकते हैं, किस तरीके से हम नेटफ्लिक्स को एकदम फ्री में यूज कर सकते हैं। कुछ ऐसा यदि हो आपके पास तो बताइए, या कोई उसकी मोड एप्लीकेशन हो तो वो बताइए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपके सभी सवालों के जवाब मैं दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं नेटफ्लिक्स क्या चीज़ है। दोस्तों, नेटफ्लिक्स जो है बहुत बड़ी एक OTT प्लेटफॉर्म है। दोस्तों, इस पर इतना कंटेंट है कि यदि आप आज से देखना शुरू करेंगे तो आपकी उम्र बीत जाएगी लेकिन पूरा कंटेंट आप नहीं देख सकते। और दोस्तों, इसका सब्सक्रिप्शन भी हमको लेना पड़ता है यूज़ करने के लिए, फ्री में ये नहीं चलता है। पहले जो था इसका दिसंबर 2021 गया है, इसमें क्या था, इन्होंने ऑफर दिया था कि भाई हम एक महीना आपको फ्री में ट्रायल करने के लिए देंगे, यानी कि आप एक महीने तक इसको फ्री में यूज कर सकते हैं, उसके बाद आप पैसे चुकाएंगे। और जो है फिलहाल ये स्कीम जो है बंद है, भारत में बंद है और विदेशों में ये चल रही है। तो आने वाले समय में दोस्तों यहाँ पर भी, क्योंकि भारत जो है दोस्तों बहुत बड़ा मार्केट है, 130+ करोड़ की है जनसंख्या यहाँ पर, तो यहाँ पर भी फ्री ऑफर भी आने वाला है जिसमें आप एक महीने तक इसको फ्री में यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं, दूसरा जो क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि भाई आप हमें इसकी कोई मोड एप्लीकेशन बता दीजिए, या मोड एप्लीकेशन का कोई नुकसान तो नहीं है, या उसका क्या फ़ायदा है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मोड एप्लीकेशन किसको कहते हैं। मोड एप्लीकेशन होती है यानी कि मोडिफाई एप्लीकेशन, जिनको मोडिफाई किया जाता है और उसमें वो जो है जिस जो पैसा चुकाते हैं हम, उस सब चीज़ों को मोडिफाई करके आप जो प्रीमियम कंटेंट है उसको एकदम फ्री में यूज कर पाते हैं। तो लेकिन दोस्तों, अब इसका फ़ायदा क्या है। फ़ायदा तो ये है कि भाई आप बिना पैसा दिए जो है कंटेंट को यूज कर सकते हैं, यानी नेटफ्लिक्स को आप कोई पैसा आप नहीं खर्च करेंगे और आप फ्री में देख पाएंगे। लेकिन एक इसका नुकसान सबसे बड़ा दोस्तों ये है, आपकी प्राइवेसी और आपका डाटा। दोस्तों, जो आदमी इसको मोड कर रहा है यानी कि इसको मॉडिफाई कर रहा है इस एप्लीकेशन को, वो पता नहीं कि इसके अंदर क्या खिचड़ी उसने पकाई है, क्या क्या उसने इसमें मिक्स किया है, कौन सा इसमें उसने वायरस डाला है, या कौन सा ऐसा बग फिक्स किया है जिससे कि आपके मोबाइल का जो है डाटा वो अपने पास ले सके। क्योंकि दोस्तों, नेटफ्लिक्स की जो ओरिजिनल एप्लीकेशन है या और भी जो ओरिजिनल एप्लीकेशंस होती हैं, वो होती हैं गूगल के प्ले स्टोर पर, और गूगल के प्ले स्टोर पर वो सारी वेरीफाइड होती हैं, उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती है, वो प्रमाणित होती हैं। लेकिन जो मोड एप्लीकेशन है दोस्तों, वो आपको प्ले स्टोर पर नहीं मिलेंगी, और उसमें उनके अंदर ऐसा क्या है, क्या उसके अंदर मॉडिफिकेशन किया गया है, वो किसी को पता नहीं होता है सिवाय मॉडिफाई करने वाले के। अब दोस्तों, जो आदमी आपको फ्री में सारी चीज प्रोवाइड करवा रहा है, तो सोचने वाली बात है कि वो अपना भी तो कुछ फ़ायदा देखेगा ना। तो हो सकता है कि वो आपके मोबाइल का डाटा चुपचाप आपसे ले रहा हो और आपको उसका पता भी ना हो। और दोस्तों, पीछे आपने एक वीडियो भी देखी होगी, बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, जिसमें बताया था, जिसमें हमारे जो IT जो मंत्री थे उनके सामने ही एक आदमी ने बताया था कि भाई किस तरीके से आपका मोबाइल को मैं सिर्फ 10 सेकंड में हैक कर सकता हूँ। तो दोस्तों, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जिससे आपके मोबाइल का डाटा, आपके मोबाइल का कैमरा, आपके मोबाइल का माइक कोई चुपचाप यूज कर सकता है। तो मोड एप्लीकेशन का कोई भरोसा नहीं होता है, और इसमें सबसे बड़ा रिस्क यही है। तो दोस्तों, ये था मोड एप्लीकेशन का एक मतलब बुरा पार्ट, भाई इसका नुकसान भी है। अब बात करते हैं नेटफ्लिक्स को आप फ्री में कैसे यूज कर सकते हो। तो दोस्तों, मेरी राय तो ये है कि आप मोड एप्लीकेशन का यूज ना करें, लेकिन यदि हाँ आपको ज़्यादा शौक है और आपको करना चाहते हैं, तो फिर मैं आपको तरीका बता देता हूँ। आप एक काम कीजिए, आप घर में कोई ऐसा मोबाइल देखिए कि जिस मोबाइल में आप अपना कोई ऐसा प्राइवेट डाटा ना रखते हों, यानी इसका यूज बहुत कम करते हो, उस मोबाइल में आप मोड एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और उसमें आप आराम से फिर नेटफ्लिक्स को देखिए। तो उसमें दोस्तों ये होगा कि आपका जो मतलब कोई प्राइवेट डाटा उसमें होगा नहीं, तो वही चोरी होने का डर भी नहीं रहेगा। तो ये तो एक तरीका है, मोड एप्लीकेशन से आप नेटफ्लिक्स को यूज कर सकते हैं, फ्री में देख सकते हैं। तो दोस्तों, लेकिन मेरा सजेशन ये है कि आप अपने जो आपका जो मोबाइल है जिसको आप यूज करते हैं ज़्यादा, जिसमें आपका प्राइवेट डाटा है, उसमें आप मोड एप्लीकेशन डाउनलोड मत कीजिए और ना ही उसको यूज कीजिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपके सभी सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। भाई पहला सवाल यही था कि नेटफ्लिक्स जो है फ्री में हमको मिल रहा है, तो फ्री में दोस्तों अभी यहाँ नहीं है, भारत में उसका जो ट्रायल वर्जन है वो नहीं चल रहा है। और दूसरा, आप मोड एप्लीकेशन के बारे में पूछ रहे थे दोस्तों, तो मोड एप्लीकेशन वो आपका रिस्क है, आप उसको यूज करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, वो आप अपने रिस्क पर उसको कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी है, आपको थोड़ी बहुत इससे जानकारी मिली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं हूँ आपका दोस्त हिमांशु चौधरी, फिर मिलूँगा किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।